हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 19, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं सुपर कीवर्ड क्या है। इन इनहेरिटेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट व्हेन कॉल एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ सब क्लास ओनली फंक्शन कंटेन्स इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल्स दिस एंड सुपर बोथ रेफरिंग टू द करेंट ऑब्जेक्ट। समझ में तो नहीं आया ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक क्लास है ए, जो कि इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो ये पेरेंट क्लास की भूमिका में है, और एक क्लास है जिसका नाम है बी, जो ए की सब क्लास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो क्लासेस बनाई हैं और एक और क्लास मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है एग्जाम्पल, जिसके अंदर होगा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं मेन फंक्शन में बी क्लास यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट न्यू लिखकर, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ होगा, इसको समझते हैं क्या हुआ होगा। मैंने ओबीजे बनाया ना, ये जो ओबीजे बनाया है, लेट्स से दिस इज एन ओबीजे, इसका नाम है ओबीजे। ये ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। किस क्लास का है ये, बी क्लास का है, और ये पॉइंट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किसका बनाया, न्यू की मदद से आपने बनाया था ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट बनाया था, बी क्लास का। तो हमने यहां पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू लिखकर, तब जाके ये मेमोरी ब्लॉक बना। और जो ओबीजे बनाया है ये तो रेफरेंस वेरिएबल है, सिर्फ एक पॉइंटर की तरह जो रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब क्या कह रहे थे यहां पर, ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ये सब क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया। व्हेन कॉल एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ सब क्लास ओनली, यानी सब क्लास के किसी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को जब कॉल करता है, मतलब ये कॉल करे एक ऐसे फंक्शन को जो फंक्शन किसका हो, बी क्लास का यानी सब क्लास का। जैसे मैंने बनाया पब्लिक वॉइड F1 और ये कुछ कोडिंग है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये सब क्लास का फंक्शन है, हो सकता है ए क्लास में भी कोई फंक्शन पब्लिक वॉइड F2 इस तरह से कोई फंक्शन, पर ये फंक्शन किसका है, ए क्लास का। ऑब्वियसली इनहेरिटेंस के चलते F2 फंक्शन बी क्लास का भी है, पर ओरिजिनली ये ए में बना है और F1 ओरिजिनली बी में बना है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो फंक्शंस ओरिजिनली बी में बने, सब क्लास में बने। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट जब कॉल करता है सब क्लास के ही इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, अच्छा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या है, अगर इसमें स्टैटिक लगा होता तो ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं होता, यानी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट जब इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, उस फंक्शन को जो कि सब क्लास का ही है, ये फंक्शन कंटेन करता है इम्प्लिसिटली दो रेफरेंस वेरिएबल, यानी इस फंक्शन के अंदर दो रेफरेंस वेरिएबल हैं जो हमें बनाने भी नहीं पड़ते, होते ही हैं इसके अंदर, जिनका नाम है दिस एंड सुपर। अच्छा, दिस और सुपर दोनों क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। फर्क क्या है, दिस और सुपर दोनों ही, अच्छा मैं फर्क नहीं बता रहा हूं, मैं पहले इनकी सिमिलैरिटी बता रहा हूं। दिस और सुपर दोनों ही करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखते हैं, मतलब बोथ रेफरिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। तो आपने यहां बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके द्वारा ही F1 को कॉल किया, तो F1 के अंदर दिस और सुपर दोनों ही इस ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहे होंगे। इसका मतलब जो F1 फंक्शन है उसके अंदर एक
दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ दिस। और इसी तरीके से एक और है जिसका नाम है सुपर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुपर, ठीक है। पर ध्यान रहे कि ये ओबीजे नाम जो है ना, ये मेन फंक्शन में है, और दिस और सुपर जो नाम है ये कहाँ है, ये दोनों F1 में है, तो ये लोकल वेरिएबल की तरह होते हैं। मतलब F1 जब स्टार्ट हुआ, कॉल हुआ, तब ये दिस और सुपर बने, और F1 ख़त्म हो जाएगा तो दिस सुपर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अच्छा, दिस और सुपर दोनों किसका रेफरेंस कंटेन करते हैं? तो दिस और सुपर दोनों के दोनों इसी ऑब्जेक्ट का, जिसने कॉल किया है F1 को, उसी को रेफर करते हैं। बात समझ में आई? दिस और सुपर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दिस सब क्लास टाइप का है और सुपर सुपर क्लास टाइप का है। मतलब ये जो दिस है ये बी क्लास टाइप का है, और सुपर जो है वो ए क्लास टाइप का है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो एक कॉन्सेप्ट जरा याद करिए, ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, जैसे अपन बी का बना रहे थे ना, ए का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी? मतलब पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यस इट इज़ पॉसिबल। पर फिर रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है जो ओरिजिनली पेरेंट के हैं, चाइल्ड वालों को एक्सेस नहीं कर सकते, ये रूल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सुपर अगर ए टाइप का है तो ये डॉट लगा के उन मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता जो ओरिजिनली बी क्लास में बने, ये सिर्फ उन्हीं को कॉल कर सकता है जो ओरिजिनली ए क्लास में बने। जैसे F2 को कॉल किया मैंने तो F2 फंक्शन चलने लगेगा। अच्छा, लेकिन मैं सुपर डॉट नहीं लगाता, सीधे F2 कॉल करता तो भी तो F2 कॉल हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सुपर लिखने की क्या ज़रूरत है? सुपर लिखने की ज़रूरत तब है जब ये F2 का नाम F2 ना होकर F1 होता। मतलब ये भी F1 है और ये जो फंक्शन बना रहे हैं ये भी F1 है, मतलब ये चाइल्ड वाले वर्जन ने ओवरराइडिंग कर दी। और आप जानते हैं ओवरराइडिंग में क्या होता है, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है तो चाइल्ड वाला फंक्शन चलेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये चाइल्ड वाला फंक्शन जब चले तो ये पेरेंट वाले F1 को कॉल कर लें, तो ये कैसे होगा? ऐसे लिखूंगा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे में तो ये रिकर्शन हो जाएगा, खुद को कॉल कर लेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा सुपर डॉट। दिस डॉट भी नहीं लिख सकते, दिस तो बी क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस करेगा ना। ओके, तो सुपर लिखने का मकसद हमें समझ में आया कि अगर ओवरराइडिंग होती है और चाइल्ड वाले वर्जन से मैं पेरेंट वाले वर्जन को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं सुपर डॉट F1 का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इफ योर मेथड ओवरराइड्स वन ऑफ इट्स सुपर क्लास मेथड, जो अभी अपन ने किया, F1 ओवरराइड कर रहा है सुपर क्लास के F1 को, तो यू कैन इन्वोक द ओवररिडन मेथड थ्रू द यूज ऑफ कीवर्ड सुपर। यू कैन इन्वोक द पेरेंट्स वर्जन कहना चाहिए, है ना, सुपर क्लास वर्जन, सुपर क्लास वर्जन ऑफ द मेथड थ्रू द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, यानी जो पेरेंट क्लास में बना हुआ है उसको अगर हम कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और यूज है। मान लीजिए कि एक वेरिएबल बना हुआ है एक्स नाम का, कहाँ, ए क्लास में। एक वेरिएबल और बना हुआ है एक्स, पहले तो मैं अलग रखता हूँ वाई, और एक फंक्शन में बनाता हूँ, लेट से पब्लिक void F2, और इसके अंदर भी एक वेरिएबल बनाता हूँ z नाम का। क्या आप x y z में फ़र्क कर सकते हैं? यस। अच्छा, इसको कॉल भी करूँगा मैं, नीचे कैसे कॉल करूँगा, obj.f2, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि F2 फंक्शन में जो z है ये लोकल वेरिएबल है, केवल F2 तक ही इसकी लाइफ होगी, राइट। और ये जो y वेरिएबल है, ये y वेरिएबल
ऑब्जेक्ट के अंदर का वेरिएबल है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसकी लाइफ तो ऑब्जेक्ट की लाइफ के बराबर होगी। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स नाम का वेरिएबल भी है, इनहेरिटेंस के द्वारा मिला हुआ है। तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल को एक्सेस करना एफ टू का हक है। एफ टू एक्स को भी एक्सेस कर सकता है, वाई को भी और जेड को भी। एक्स को इसलिए कर सकता है क्योंकि वो डिफॉल्ट है, प्राइवेट होता तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, जेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, राइट, वाई को भी कर सकता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा जेड में असाइन करो टू, ठीक, मैंने लिखा वाई में असाइन करो थ्री, मैंने लिखा एक्स में असाइन करो फोर। वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है, बिल्कुल सही। लेकिन मान लीजिए कि मैं इस वाई का नाम जेड रख दूं, तो मैं इस वाई की जगह जेड लिखने की कोशिश करूंगा, पर ये जेड तो लोकल वेरिएबल जेड माना जाएगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है अगर उसका नाम इंस्टेंस वेरिएबल से मैच कर जाता है तो लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है। तो खाली जेड लिखना, ये लोकल वेरिएबल जेड है, तो ये जेड लिखना भी लोकल वेरिएबल जेड है। तो आपने इंस्टेंस वेरिएबल जेड में अगर वैल्यू रखनी है तो कैसे करेंगे, तो आप दिस डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो ए क्लास में बना है इसका नाम भी जेड होता, तो फिर ये जो एक्स है इसको आप जेड लिखते, पर आप जेड लिखते तो ये माना जाता है ये तो लोकल वेरिएबल जेड है, और आप कहना चाह रहे हैं नहीं, जो सुपर क्लास में जेड है उसकी बात होगी। तो आपने अगर यहाँ दिस डॉट जेड लिखा ना, तो ये फिर चाइल्ड क्लास वाला जेड माना जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर डॉट जेड। यस, तो सुपर का एक और यूज आपने देख लिया। जब नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भी रिजॉल्व करना, मतलब इट अवॉइड्स नेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर वेरिएबल्स ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास एंड ऑल्सो लोकल वेरिएबल्स, राइट। तो आपको समझ में आया, ये एग्जाम्पल दो यूज बता दिए मैंने सुपर के, पर अभी सुपर का और दिस का कुछ यूज और भी है जो अभी अपन आगे की वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। खैर वो थोड़ा अलग है, वो भी अपन पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए तो हमें समझ में आ गया। अब अगर आपको समझ में आ गया है वाकई में, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती है। मेरे और भी कई चैनल्स हैं जिसमें सी, सी प्लस प्लस, पी एच पी या डेटा स्ट्रक्चर या और भी, तो ये सब चैनल्स के लिंक आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट mysurgi.com पे। आप इस साइट पे जाइए, इन लिंक्स पे क्लिक करिए और ये दूसरे चैनल्स के वीडियोस को भी देखिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में यूज़फुल है, क्यों, क्योंकि ये कंटेंट इजीली समझ में आ रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश में यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे लेकिन हिंदी पे कम चैनल्स, कम वीडियोस मिलते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको जिनको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो मेरी भी आप हेल्प करिए और उनकी भी हेल्प करिए कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है, और ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा हमारी एजुकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में इजीली एक्सेसिबल होगा। तो इतनी हेल्प ज़रूर करिए, क्योंकि हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली कई लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।